उत्तराखंड में सियासी उठापटक जारी है। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 4 महीने का कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ और अब विदाई हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वो वजहें क्या है जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है। आइए इन सभी बातों को बहुत बारीकी से समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी जरूरी है। इसके लिए उन्हें 10 सितंबर से पहले उपचुनाव में जाना था, हालांकि कोरोना महामारी की वजह से चुनाव पर आयोग ने रोक लगा रखी है। यह भी माना जाता है कि तीरथ सिंह रावत के साथ भी बीजेपी को उत्तराखंड में नुकसान ही हुआ है। वजह है उनके बयान। और बहन की बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2-7 में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है, दिल्ली जाना है, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूँ। ये तो महज एक बयान है, बाकी तीरथ सिंह रावत ने अमेरिका की गुलामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और कृष्ण का अवतार से लेकर कई तीर छोड़े हैं। ये सारे तीर बीजेपी के हिस्से में जख्म ही लाए हैं। खैर, जब उत्तराखंड में बीजेपी के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी पार्टी की मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं, हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। इतने प्रयोगों के बीच अब तेज तर्रार विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की कयासे चल रही हैं। इसके लिए शनिवार को प्रदेश इकाई ने पार्टी मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने साफ किया है कि अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह विधायकों के बीच से ही होगा।